चलो अब अपनी साइलेज खत्म हो गई, अब अपन आते हैं हे पर, तो देखते हैं हे क्या है, और हे अपन जान लेंगे, उसके बाद हे और साइलेज की क्या करेंगे, तुलना करेंगे यानी अंतर जानेंगे। ये बहुत अच्छा प्रश्न है हे और साइलेज में अंतर वाला। इससे पहले हे तो जान लें, साइलेज तो जान ली, तो सबसे पहले क्या जानेंगे, हे क्या जानेंगे, हे। तो ये अपना हे लिखा हुआ है, हे होते क्या है वो जानेंगे। अब मान लेते हैं हमारे खेत है, एक गांव में खेत होते हैं, ये मक्का की फसल खड़ी हुई है, क्या है, मक्का की फसल खड़ी हुई है ना। और ये देखें आप, ये मक्का की फसल खड़ी हुई है, और ये है, इसमें से जब हम मक्के में भुट्टे आ जाएंगे और भुट्टों को हम तोड़ लेंगे, क्या कर लेंगे, भुट्टों को तोड़ लेंगे, और तोड़ने के बाद क्या बचता है ये हमारे सामने, इकट्ठा कर लेंगे इसको, काट लेंगे, हार्वेस्ट कर लेंगे, और हार्वेस्ट करने के बाद हम देखते हैं कि गांव में हम लोग बोलते हैं कि पूरा बन जाता है ना, ऐसे, ठीक है, क्या बन गया, ऐसे। ये सूखी हुई अवस्था ही हे कहलाती है, तो घास की कटी हुई या सूखी हुई अवस्था ही हे कहलाती है, ठीक है, क्या कहलाती है, हे। और गांव में इसको करब भी कहते हैं, गांव में लोग हे या करब, ठीक है, या ऐसे भी कह सकते हैं कि अब बरसात के दिन निकल गए और अपन लोग बरसात में जो हरे घास को काट काट करके इतने गठे बना करके, या पूरा बोलते हैं अपन क्षेत्र में, उनको रख के और इकट्ठा रख लेते हैं, क्या बना लेते हैं उसका, गांव में एक गंज बोलते हैं लोग, तो ये अवस्था में अपन लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो अब इसमें इमेज देख रहे हैं आप, ये बनी हुई है, क्या देख रहे हैं, ये इमेज देख रहे हैं, तो ये इमेज बनी हुई है, ये है क्या है, यही है, ये मक्का की दिखाई दे रही है कि नहीं दे रही है आपको, ये तो ये मक्का की हे दिखाई दे रही है, ठीक है, तो यही है हे। अब आता है इसकी परिभाषा बताना चाहूंगा कि हे क्या है, तो घास की सूखी हुई अवस्था को हे कहते हैं। अब आता है साइलेज और हे में अंतर क्या है, हे और साइलेज, क्या साइलेज, हे और साइलेज में जो है अंतर बताना है। तो जब हमने साइलेज पढ़ ली और हे पढ़ ली, तो आराम से क्या कर सकते हैं, आराम से तुलना कर सकते हैं, आराम से बता सकते हैं। नंबर एक क्या बताएंगे इसमें, नंबर एक सबसे पहले घास की सूखी हुई अवस्था को हे कहते हैं, और रसीली अवस्था में चारों को गड्ढे में दबा कर बनाते हैं उसे साइलेज कहते हैं। हे का रंग हरा होता है, क्या होता है, हे का रंग हरा होता है, और साइलेज का बादामी या पीला भी हो जाता है। हे में विटामिन, क्या, हे में विटामिन डी होती है, और साइलेज में विटामिन डी नहीं होती, क्योंकि हे धूप में सूखती है और धूप में विटामिन डी मौजूद होती है, ठीक है। अच्छा, इसमें उपकरणों की अवस्था नहीं होती है, अर्थात इसमें हमें चेक कटर या गड्ढे की आवश्यकता नहीं होती है, तो इसमें ज़्यादा साधनों की आवश्यकता नहीं होती, जबकि इसमें गड्ढे और चेक कटर अन्य साधनों की आवश्यकता होती है। इसमें खट्टा होने के लिए अम्ल नहीं बनते हैं, और इसमें खट्टा होने के लिए अम्ल बनते हैं, क्या होता है, इसमें अम्ल बनते हैं। इसको धूप में सुखाया जाता है, क्या किया जाता है, हे को धूप में सुखाया जाता है, और साइलेज को गड्ढे में दबा करके बनाया जाता है। हे को सूखी हुई अवस्था में खिलाते हैं, और साइलेज को अपन लोग गीली या रसीली अवस्था में ही खिलाते हैं। इसमें शुष्क पदार्थ की मात्रा लगभग 90% के आसपास हो जाती है, कितनी हो जाती है, 90%, और इसमें लगभग 40% के आसपास रहती है। इस प्रकार से हमने ये पूरे साइलेज और हे में अंतर दिया, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपके लिए, यह है परीक्षा में आने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसे अच्छे से याद करेंगे, ठीक है। जब दोनों में नहीं आप वो याद हो तो वीडियो को रिपीट करना, इसमें साइलेज की इमेज देख लेना है आपको, और इसमें हे की इमेज देख लेना है, और गांव में हमने देखी है हे कैसी होती है, जो गांव में पूरा रखे होते हैं मेड़ खेत पर वही होते हैं, और घर पे अपन लोग पूरा हरा पूरा चारा लेके आएंगे, लेकिन वो उसके ऊपर रखा रखा सूख जाता है छत पर, तो वो हे बन जाती है, ठीक है, ओके। तो नंबर एक हमारे सामने क्या आ गया कि घास की सूखी हुई अवस्था को, घास की सूखी हुई अवस्था, कौन सी सूखी हुई अवस्था, अवस्था
को हे कहते हैं, को हे कहते हैं। इसमें क्या होता है कि हरे चारे को, हरे चारे को गड्ढे में दबाकर, गड्ढे में दबाकर दबाकर बनाते हैं, ठीक है। ये रसीली अवस्था होती है, इसमें ये भी कह सकते हैं रसीली अवस्था होती है, रसीली अवस्था होती है। बाकी आपके नोट्स में लिखा ही है पूरा, मैं यहाँ थोड़ा शॉर्ट बताता जाऊँगा आपको। तो नंबर एक हो गया। नंबर दो हमारे सामने क्या है कि इसमें विटामिन डी होती है ना, इसमें क्या होता है, इसमें विटामिन विटामिन डी होती है। क्यों होती है विटामिन डी? क्योंकि ये धूप में सूखती है। इसमें विटामिन डी नहीं होती है। अच्छा, इसमें अम्ल की मात्रा नहीं होती। क्या है? इसमें अम्ल की मात्रा, अम्ल की मात्रा नहीं होती। इसमें अम्ल की मात्रा होती है। क्या होती है? अम्ल की मात्रा होती है, क्योंकि जब किण्वन की क्रिया, मैंने बताई थी आगे, किण्वन की क्रिया होती है तो क्या होता है, इसमें एसिड या अम्ल बन जाते हैं, जिससे खट्टी भी हो सकती है, यह खट्टी नहीं होती। इसमें ज़्यादा साधनों की आवश्यकता नहीं होती है, है ना, अधिक अधिक साधनों की आवश्यकता नहीं होती, साधनों की आवश्यकता नहीं होती। क्या नहीं होती? आवश्यकता नहीं होती। इसमें चेक कटर यानी कुटी करने की मशीन, गड्ढा, लेबर, टेक्नीशियल सब की आवश्यकता होती है। क्या होती है? आवश्यकता, आवश्यकता होती है। क्या होती है? आवश्यकता होती है। पांचवा पॉइंट हमारे सामने, इसमें शुष्क पदार्थ की मात्रा अधिक होती है, इसमें शुष्क पदार्थ की मात्रा, शुष्क पदार्थ का मतलब सूखा मैटर ज़्यादा होता है, इसमें गीलापन होता है। क्या होता है? गीलापन होता है, गीलापन होता है, ठीक है। इसे गड्ढे में दबा कर बनाया जाता है साइलेज को, इसे गड्ढे में दबाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये आपके अंतर हैं, बाकी आप है ना पूरे नोट्स में भी बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है, मैंने यहाँ थोड़ा सा आपको जल्दी समझा दिया है, और आप बिल्कुल धीरे धीरे से याद कर सकते हैं आप साइलेज। पहले आपको साइलेज वाला प्रश्न पूरे पढ़ने हैं, उसके बाद हमें हे की बात पढ़ना है, नोट्स में दिए हैं सब अच्छे से, और उसके बाद जब दोनों में अंतर सामने आ जाए ना, तो ये अंतर अपने आप याद हो जाएगा, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस पढ़ लें आप उसको पहले। थैंक यू।